The question says, if R1 is the radius of the first orbit of hydrogen atom, then the radii of second, third and fourth orbits in terms of R1 are. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को अगर हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट की रेडाई को R1 के टर्म्स में हम इनमें से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बोहर ने जो फॉर्मूला दिया था ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट करने का उसको मेंशन कर देते हैं. सो R इज इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे R रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिट की रेडियस को. यहाँ पे ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, या आप कह सकते हो उस ऑर्बिट के नंबर को. अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन. z रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एटॉमिक नंबर को. हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम जो ये एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है, तो z की वैल्यू 1 हो गई. तो उस केस में ये जो R हो जाएगा ये हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे अगर हम बात करें R1 की तो R1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.529 n 1 का स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम बात करें R2 की, ये एंगस्ट्रॉम में चल रही है सारी यूनिट्स इसकी जो होंगी, R2 की अगर हम बात करें तो R2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.529 n 2 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम. ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 और ये हमारी हो गई इक्वेशन 2. अब यहाँ पे हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो हम यहाँ पे कर देते हैं R2 बाय R1. तो ये हो जाएगा 0.529 n 2 का स्क्वायर अपॉन 0.529 n 1 का स्क्वायर. यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर देती हूँ R2 बाय R1. ये 0.529 से 0.529 कैंसिल हो जाएगा. N2 दैट मीन्स यहाँ पे सेकेंड हम ऑर्बिट के लिए अगर बात कर रहे हैं तो उसकी जो उसके लिए जो n की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन, अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो ये हो जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 4R1. सिमिलरली हम R3 और R4 निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं R3 के लिए इक्वेशन हो जाएगी R3 विल बी इक्वल टू 0.529 n 3 का स्क्वायर. तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 3. अब इस इक्वेशन 3 को अगेन हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा R3 बाय R1 विल बी इक्वल टू 0.529 n 3 का स्क्वायर अपॉन 0.529 n 1 का स्क्वायर. तो यहाँ पे जो थर्ड ऑर्बिट होगी उसके लिए यहाँ पे जो n3 की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो 1 ही रहेगी. तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0.529 से 0.529. तो ये हो जाएगा R3 बाय R1 विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर. तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं R3 विल बी इक्वल टू 9R1. सिमिलरली अगर हम R4 की बात करें तो R4 हो जाएगा 0.529 n 4 का स्क्वायर. ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 4. अब इस इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा R4 बाय R1 विल बी इक्वल टू 0.529 n 4 का स्क्वायर अपॉन 0.529 n 1 का स्क्वायर. तो 0.529 से 0.529 कैंसिल हो जाएगा. R4 बाय R1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये n की वैल्यू जो है फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 ही रहेगी. तो ये हो जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर. तो R4 बाय R1 हो जाएगा 16. तो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि R4 को अगर हम R1 की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 16R1. तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस देखें जो हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल राइट दिस एट द एंड. दस द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.